याला योलो गाइस, याला योलो। मैं वेदांत व्यास सेकंड व्लॉग के साथ। जो ये इंट्रो फिर से शूट करना पड़ रहा है, बिकॉज आप देखोगे आगे व्लॉग में कि इंट्रो जो शूट किया था उसमें ऑडियो बिल्कुल नहीं आया था। वायर कनेक्ट था, सब कुछ कनेक्ट था, लेकिन फिर भी ऑडियो नहीं था। इसीलिए आज फिर से मैं शूट कर रहा हूँ ऑडियो दूसरी जगह पे आके। वो मैंने पूरा जूनागढ़ व्लॉग आप देखोगे आगे, जहाँ पर मैं गिरनार पे पूरा शूट कर रहा हूँ व्लॉग इंट्रो स्टार्ट किया था, वो आप अभी देखोगे आगे। और बाकी बातें आपको वहीं पर व्लॉग में समझ में आएगी। टेम्पल एंड गिरनार पर्वत, तो यहाँ से शुरुआत होती है आगे से। अगर एडवांस में अगर आप रोपवे की टिकट बुक करवाना चाहते हो तो वो काउंटर इससे पहले आ जाता है, बाद में आता है एंट्री गेट। और जैसे बताऊँ कि अगर आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, तो बाय व्हीकल अगर आप खुद के व्हीकल के साथ आते हो तो आप जूनागढ़ सिटी से अगर एंटर होते हो तो तकरीबन 4.7 किलोमीटर के आसपास होता है। अब अगर आप बाय बस आते हो गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो यहाँ से जूनागढ़ बस स्टेशन होता है 4.9 आसपास, मतलब अप्रोक्स 5 किलोमीटर होता है रेंज, या रेलवे स्टेशन भी उतना ही दूर होता है इस जगह से। और आपको वहाँ से यहाँ आने के लिए ट्रांसपोर्ट जैसे ऑटो रिक्शा काफ़ी सारी मिलती रहती है। और अगर बात करूँ यहाँ के एंट्री गेट की, तो आप गेट देख ही सकते हो कैसा व्यू है यहाँ पर, अभी क्या दिख रहा है और पीछे कितना, वो अभी देख सकते हो कि पीछे गिरनार पर्वत क्या व्यू देख रहा है। आई नो ये बीच में ये पोल आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा इधर करके दिखाते हैं। हाँ अभी रुको रुको रुको, आ जाओ पीछे, अभी रोड पे जाके शूट नहीं करेंगे। तो बात यही थी, लास्ट टाइम एक बात दिमाग में आई थी, मतलब जो लास्ट वीडियो बनाया वो थोड़ा नर्वसनेस के साथ बना था, और उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कि क्या है कि अभी मैं सीख रहा हूँ व्लॉगिंग और एडिटिंग वगैरह सीख रहा हूँ। आई नो पिछला वो काफ़ी बुरा बना है और ऑडियो भी क्लियर नहीं आया है। कोशिश करूँगा बहुत जल्द ऑडियो क्लियर के साथ काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें दिखाऊँगा। और डिटेल की बात करूँ तो मैंने काफ़ी सारी डिटेल दे चुके हैं। अगर आप डायरेक्टली जाते हो तो डायरेक्टली भी आपको वहाँ से रोपवे के लिए टिकट मिल जाएगी, और एडवांस में अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हो तो यहाँ पर आगे ही पहले एडवांस काउंटर है,
और जरा उसको आगे से इस तरफ घुमाए, तो पीछे भी काफी सारे बढ़िया बढ़िया सीनिक व्यू है और काफी आगे तक हम चलेंगे अभी। अभी एंटर होने के टाइम पर ही ठीक आपको नजदीक में मिल जाए, आने से पहले मतलब ये एंट्री गेट से पहले ही आपको एडवांस बुकिंग काउंटर मिल जाएगा, जिसको मैं अभी फुटेज में दिखाता हूँ। और ये आप साइड में पूरा बैनरिंग देख सकते हो, ये वही जगह है जहाँ पर मैंने बोला था कि एडवांस बुकिंग के की जो ऑफिस है उसके बाहर ये दिख रहे होंगे आपको होर्डिंग। और हम चल रहे अभी उसी तरफ आगे और मैं शो करता हूँ पूरा क्या काउंटर वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या है एडवांस बुकिंग के सारे डिटेल अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और ये अभी आप पूछे पीछे का पूरा व्यू देख सकते हो, यहाँ टिकट काउंटर एडवांस टिकट काउंटर का ये पूरा व्यू है। और अभी मैं आपको प्राइस लिस्ट आपको लेआउट में दिखाऊंगा कि यहाँ से एडवांस बुकिंग की क्या प्राइस लिस्ट है, क्या प्रोसेसर होती है, वो सारी मैं डिटेल आपको शेयर करता हूँ। तो हम यहाँ से भैया से बात करेंगे कि एडवांस टिकट की क्या प्रोसेसर है, क्या क्या होता है। भैया बताइए आप जरा। एडवांस टिकट आपको कल भी मिल सकती है, आज भी मिल सकती है, कल की टिकट आज भी मिल सकती है, अभी करवानी है तो अभी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकता है, एडवांस ऑनलाइन बुकिंग भी होता है। अच्छा। तो ऑनलाइन का प्राइस ये रहता है। अच्छा। ऑफलाइन ऑनलाइन का दोनों का ही प्राइस रहेगा, दोनों का प्राइस सेम है। और अगर किसी को ऑनलाइन बुक करना है तो ये कौन सी साइट से या कोई ऐसी कौन सी गिनर रोपे से हो जाएगा? गिनर रोपे इतना लिखेगा तो क्रोम में या गूगल पे में दोनों पे आ जाएगा। ओके ओके, थैंक यू भैया ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने। जागीर भारतीय आश्रम का प्रवेश द्वार है, ठीक उसी के बगल में जो मैंने बोला एडवांस रोपे के लिए जो बुकिंग के साथ काउंटर है वो वहीं पास में ही है। और मैंने वेबसाइट का भी एक फोटो क्लिक किया है जो आप ओवरले में अभी मैं दिखा दूंगा। और अभी चलते हैं वहां पर जहां पर से रोपे स्टार्ट होता है। अभी रोपवे की मेन एंट्रेंस से पहले हम यहाँ पर पहुँचे अभी भवनाथ महादेव के मंदिर पर, जो आप सामने देख रहे होंगे वो मंदिर भवनाथ महादेव का मंदिर है। और इस जगह को बेसिकली बोलते हैं तलेटी, गिरनार तलेटी। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो अभी थोड़ा ट्रैफिक कम दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पर हमेशा बहुत ट्रैफिक रहता है काफ़ी सारी जगह की वजह से, और यह स्पेशली गिरनार पर्वत की वजह से यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक रहता ही है, क्योंकि लोग दर्शन करने आते हैं यहाँ पर बहुत सारा। और मैं आपको यहाँ बाहर से दर्शन करवा देता हूँ, भोगनाथ महादेव के दर्शन आपको यहाँ से बाहर से ही हो जाएंगे। और अभी हम चलते हैं यहाँ से आगे।
यहाँ पर खड़ा हूँ। यहाँ से दो रास्ते हैं ऊपर जाने के लिए, गिरनार पर्वत के ऊपर जाने के लिए। पहला है आप बाई सीढ़ियों से जा सकते हैं, जो इस तरफ है पूरा, और दूसरा है यहाँ से रोप वे का रास्ता, जो मैंने पहले ही बोला था रोप वे के लिए। तो अभी चलते हैं वहाँ ऊपर और आपको दिखाता हूँ कहाँ से। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं अभी यहाँ के मेन एंट्री गेट से, रोपवे के एंट्री गेट से। यहाँ पर भी आपको तत्काल में टिकट मिल सकती है, और सिर्फ कैमरा और मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ें अलाउड है, और उसकी सेल्फी स्टिक वगैरह वो सारी चीज़ें ऊपर आप लेकर नहीं जा सकते, अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। और बात करें ये भी गुजरात टूरिज़्म के अंदर कर आता है, सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक ये शुरू रहता है। और यही फुटेज थी आज के, और अभी हम चलते हैं दूसरी जगह पे जहाँ से वो सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। तो गाइज आपने अभी थोड़े बहुत टाइम लैप्स देखे, उसके बीच में हमने क्रॉस कर लिया था जो जहाँ से एंट्री गेट शुरू होता है इन सीढ़ियों का, और काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हम चढ़ के ऊपर आ चुके हैं, और अब साइड में आके बैठ गया हूँ व्लॉग करने के लिए। आपने बीच में देखा कि काफ़ी सारी लाठियाँ लगी हुई थी स्टॉल के बाहर, जो लोग आने वाले सब ट्रैवलर लोग यूज़ करते हैं चढ़ाई के लिए, सपोर्ट के लिए। और एक छोटी सी बात मैं मेंशन करना भूल गया था, जहाँ वो रोपवे के कुछ रूल्स वगैरह के मैंने कुछ फ़ोटोज़ खींचे हैं जो लिखे हुए थे वहाँ पर, वो भी फ़ोटो में अभी आपको शो कर रहा हूँ। तो गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है या इन्फॉर्मेशन कुछ भी मिली है, तो हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाकाल।